सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो एक बात पहले भी कही और आज फिर कह रहे हैं, बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उस बात का। शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है, ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। कौन सा शिवलिंग? सफेद मिट्टी का। महाराज, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। एक ये आज के जमाने में जो ये होड़ लगी हुई ना शिवलिंग बनाने की, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, आज के जमाने में जो एक होड़ लगी हुई है कि 1,25,00,000 शिवलिंग का निर्माण करो। अब 1,25,00,000 शिवलिंग का निर्माण करो और एक ही जगह की मिट्टी खोद कर पटक दी और बहुत सारे लोग आए और अलग अलग वर्ण के आए और मिट्टी का लिंग बना भी दिया, शिवलिंग की पूजन भी हो गई, पर शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती। शिव पुराण कहती है आपका जो वर्ण है उस वर्ण के हिसाब से आप भले 1,25,00,000 मत बनाओ, 1 शिवलिंग बनाओ। भले इतना बड़ा शिवलिंग नहीं बना सकते, इतना सा बनाओ, पर जो शास्त्र रीति से कहा गया है उसके अनुसार बनाओ तो फल भी तो मिलना चाहिए। अब तुम 8 दिन से लगी, पूरे सावन के महीने में तुमने शिवलिंग बनाया, पूरे सावन के महीने में तुमने शंकर जी की पूजन करी, पूरे सावन के महीने में तुमने शंकर का शिवलिंग बनाकर आराधना करी, पर शास्त्र कह रहा है लॉकडाउन से अभी तक हर बार हमने कहा है कि अपने वर्ण के हिसाब से शिवलिंग का निर्माण करो। ब्राह्मण हो श्वेत मिट्टी का बनाइए, अगर वैश्य हो पीली मिट्टी का बनाइए, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और शूद्र हो तो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। और ध्यान देना, अगर मान लो ये मिट्टी हमको नहीं मिलती है, ये मिट्टी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी वर्णन करा गया कि जब आप ब्राह्मण हो और आपके पास में सफेद मिट्टी नहीं है तो उस शिवलिंग पर बॉर्डर, बॉर्डर मतलब अबीर, अबीर जानते हो शंकर जी को चढ़ती अबीर गुलाल, तो अबीर चढ़ा दो पर उसको सफेद कर लीजिए महाराज। और मान लो आप वैश्य हो, आपके पास में पीली मिट्टी नहीं है तो उस शिवलिंग को बनाकर हल्दी से लेपन कर दो पर उसको पीला कर लीजिए। महाराज, अगर आप क्षत्रिय हो, आपके पास में लाल मिट्टी नहीं है तो शास्त्र कहता है महाराज जी शिवलिंग बनाओ, मिट्टी का मना नहीं है, पर उसके ऊपर लाल चंदन लपेट दीजिए आप। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान से अपने मन चाह वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी, 108 चावल के दाने आखे मतलब से गए, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमीपत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरे मिल जाए वो भी श्रेष्ठ, 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध दही घी शक्कर इत्र गंगाजल चंदन, 3 गोल सुपारी पूजन वाली सुपारी, रोली मौली अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर गुलाल, पीला चंदन चावल पूजन के लिए, कपूर 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग इलायची पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग
अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें, जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हों, जो पंडित जी हों, जो आपके यहाँ आते रहते हों और जो ब्राह्मण आप हों, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा रहे हैं या उससे 1 घंटे पहले करा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हों उनको बुला लें, अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे और आप और हम पूजन करेंगे और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा, महाराज लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी। 2 दिन तक 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य, फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ, शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में, सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है, एक बेलपत्र, शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए, स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं विदेश, आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े,
कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र, साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत, जब आप शिवलिंग का निर्माण करो उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण कर, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई, शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा, मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई